हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के एक पेशेंट के बारे में। जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि यदि अब पेशेंट को हम बराबर पहली स्टेज में, अर्ली स्टेज में यदि रिलेटिव्स देखते नहीं है, उसका इलाज करते नहीं है, तो आगे जाके कितना खतरा, बड़ा खतरा साबित हो सकता है, उसके लिए वीडियो आपके सामने मैंने लाया हूँ। ये जो पेशेंट है करीब करीब 35 साल का है और पिछले 4-6 महीने से गुमसुम रहना, अपने आप में रहना, काम पे नहीं जाना, टाइम पे स्नान नहीं करना, खाना नहीं खाना, ऐसा चल रहा था इसका। और काफ़ी लोग मतलब परेशान थे, घर के लोग, कि वो इसका क्या करे। कुछ कई की कोई डॉक्टर के पास में लेके गए, बाहर का कुछ किया, मतलब कोई करनी है क्या, कोई विचक्राफ्ट है क्या, कोई भूतपलित है क्या, कोई डॉक्टरों के पास में गए और कुछ हुआ नहीं उसका। अच्छा, कुछ किसने गोली दिया, उन्होंने लिया नहीं लिया, कभी लिया कभी नहीं लिया। और फिर उसको अभी मेरे पास में जब लाया तो उसके दोनों उंगलियां कटी हुई थी, ये दोनों उंगलियां निकल गई थी बीच की, और ये बैंडेज लगा के उसको लाया हुआ है। देखो, ये देखिए उसका बैंडेज और ये हाथ, और ये उसको लाया हुआ है। फिर मैं जब इंक्वायरी किया तो मालूम ये पड़ा कि उसको कान में आवाज़ आती थी, और वो जो कान में उसको आवाज़ आ रही थी वो उसके, वो जो महाराज के ऊपर जो विश्वास करता है, वो महाराज की आवाज़ थी। और वो महाराज ने उसको ये बोला कि तू एक काम कर कि तू आग में हाथ डाल दे, तेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। और यदि वो आग में हाथ डाल के वो यदि दुख जो है, वो दर्द जो है, तू सह सकेगा और वो सह सकेगा तू, और तुझे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब तू प्योर है, बहुत ही प्योर है तू, मतलब एकदम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम प्योर है, ऐसा साबित हो जाएगा, तो उसके लिए तो वो हाथ डाल दे। तो उसने वो आग में हाथ डाल दिया, और आग में हाथ डाल दिया तो उंगलियां जल गई। ये देखो उंगलियां कैसी जली हुई है, हाथ कैसा जला हुआ है, और ये देखिए हाथ जला हुआ है। डॉक्टर के पास में अभी उसको लेके आए। अच्छा, वो उस समय चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, कुछ नहीं, उसने हाथ में ऐसा डाल दिया हाथ, और वहाँ खड़ा हुआ है वो। फिर बाद में घर वालों को पता चल गया कि हाथ डाल दिया, उसकी उंगलियां जली हुई है, हाथ जला हुआ है, उसने उसको पकड़ लिया, वो तो शांति बैठा हुआ था, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि महाराज ने बोला था कुछ नहीं होगा, और महाराज ने बोला था कि तुझे दर्द होगा नहीं, और दर्द नहीं इसका मतलब तू प्योर है। वो डॉक्टर के पास में उसको लेके गए, डॉक्टर ने बोला उंगलियां इतनी जली हुई है कि काटनी पड़ेगी। डॉक्टर ने उंगलियां काट दिया, ये दो बीच की उंगलियां, और अभी ये बैंडेज करके मेरे पास में आया। देखिए उंगलियां काटा हुआ हाथ है, जला हुआ हाथ है, देखो कैसा है। हाँ बोलिए, क्या हो गया बताओ। बुलाओ लो तुम्हारे, नहीं हिंदी में बताओ, हिंदी में आपने बुलाया था। हाँ नहीं, ये उंगली क्यों डाली, ये फायर में क्यों डाली, ये महाराज ने कहा ना। महाराज ने बोला क्या बोला महाराज ने? उंगली डालो बोले। महाराज बोले उंगली डालो? हाँ क्यों? काम हो जाता। कौन सा काम हो जाएगा बोले? सब कुछ जो ICID शादी किए गया। तो महाराज ने ऐसा बोला कि कान में आवाज सुनाई है आपको? कान में आवाज सुनाई है। हाँ। महाराज ने कान में बोला? हाँ। क्या बोला महाराज ने कान में? हाँ? महाराज ने कान में क्या बोला? सर्व 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 जय आए थे केळेकर साहब है। तिवारी महाराज। हाँ महाराज ने बोला कि मैं तिवारी महाराज हूँ, और आप उंगली डालो अपनी आग में, और आग में डालेंगे, अंगार में उंगली डालेंगे, तुम्हारा काम सब हो जाएगा, और तुमको कुछ भी होगा नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। कुछ जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने उंगलियाँ डाल दिया? वो आंगटी शिवाजी महाराज की थी। हाँ तो वो आंगटी मेरे एयरपोर्ट में थी, इसमें मैंने ऐसा करके घर को मुंगरू पी या वहाँ पर रहता था, 4-5 दिन लग रह गया, 8 दिन। तो अंगठी भी थी उंगली में, वो भी जल गई उसमें, पर उसको तो कुछ नहीं होगा, सोने की होंगी ना। अंगठी वो महाराज के पास रहती है। अच्छा, महाराज की ठीक है। ठीक तो यहाँ से आग मेरे को ठीक है इधर शुरू। मतलब देखो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसे आवाज़ आने से कितना खतरा, जान को भी हो सकता है, हाथ उसका चले गया बीमारी में। अभी वो मेरे पास में इलाज करने के लिए आए कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, अभी आप इलाज करो। अभी घर के लोगों ने इतने दिन तक उसकी केयर नहीं लिया, देखा नहीं उसको कि भाई उसका गुमसुम है,
काम धंधा नहीं कर रहा है तो उसका इलाज होना चाहिए। यदि अर्ली साइंस में हम पकड़ लेते हैं ना कोई पेशेंट को दिमाग के कि एकदम शुरुआत है उसमें पकड़ लिया उसको कि नहीं उसका इलाज होना जरूरी है, उसका इलाज किया तो ये ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो ये इसलिए मैंने वीडियो आपके सामने पेश किया कि ऐसा कोई पेशेंट आपको दिखता है आपके घर में है, कोई रिलेटिव्स में है और आपको लगता है कि उसके बिहेवियर में अभी इतने में ज़्यादा चेंज हो चुका है, गुमसुम रहता है, बातचीत नहीं करती, अपने आप में रहता है, अपने आप से कभी बातचीत करता है, हाथ करता है ऊपर नीचे ऐसा, या काम पे नहीं जा रहा, या खाना बराबर नहीं खा रहा है, या मतलब जो भी कुछ कभी कभी बहकी बातें कर रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के वो बहुत बड़ा बहुत बड़ी बीमारी वो हो सकती है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ हमारा जो मिशन है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट को भर्ती करते हैं। तो ये हमारे मिशन में आप जरूर शामिल हो जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी होगी। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।